मैं था अभी 25-26 का, तो मैं सिंगल था, तो मैं नहीं कहा था डेटिंग करना है, तो कैसे करें? तो एक ही जरिया था सर, डेटिंग ऐप्स। तो डेटिंग ऐप के जरिए मैं अरुषि से मिला। डेटिंग ऐप पे गया? हाँ जी सर। सर कुछ बातें हैं जो माँ बाप से नहीं की जाती। ये सही बात कही आप, बिल्कुल। तो वो बात जिसने आपको आकर्षित किया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए? सर पेशेंस, आई थिंक पेशेंस। सर आजकल डेटिंग ऐप पे ये बहुत होता है कि आप तुरंत उत्तर दीजिए, ये टेक्स्टिंग के माध्यम से आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जी जी। मैं एक बार दो दिन में भी रिप्लाई करता हूँ, तो और उसकी कैसी काफी पेशेंट अच्छा ये बात बताइए भाई साहब, ये अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ मैं। ये ऑनलाइन डेटिंग होती कैसे है? ऐप डाउनलोड किया, उसमें आपका पहला होता है कि आपको अपना प्रोफाइल बनाना होता है। अच्छा। तो उसमें होता है पहले कुछ बायो लिखना होता है, तो आपको कुछ अपनी अच्छी तस्वीरें डालनी होती है जिससे आप उनको पता चले आपके बारे में। तो ये सब करके जब आप उस पर प्रोफाइल बना लेते हैं, तो आपको ऐसे ही बाकी लोगों की प्रोफाइल दिखती हैं। अगर मुझे लगता है कि कोई जिसमें मैं इंटरेस्ट लूँ, मेरी जिसकी रुचि मुझसे लगती है, तो मैं उन पर राइट साइड करता हूँ। अपनी बात तो आपने डाल दिया है। उन्होंने कब डाली है, कैसे डाली है, महिलाओं को भी डालना पड़ता है? सर उत्सुकता दोनों तरफ होती है सर। ओके। उसके बाद सर जैसे मैंने उनको, मुझे लगा ठीक है, उन्होंने भी ऐसे ही देख के ठीक लगा, तो मैंने राइट किया। जब दोनों की सहमति है तो फिर उससे फिर हम चैट करना शुरू कर दिए साथ में। और फोन पे बातचीत नहीं होती? सर कुछ दौरान चाय चलती थी, आप जानना चाहते हैं, फिर आप जब बातचीत बढ़ जाती तो आप कॉल पूछना पड़ता है पहले उनसे। सर वो सर इंटरनेट ऐसा होता है सर, थोड़ा सा भाव भी हो जाता है कि है कुछ कनेक्शन है। अच्छा ऐसा हुआ था आपके साथ आरुषि जी? हाँ हुआ था ऐसा। कितना सच बोल रहे हैं आप एकदम। हाँ हुआ। ओके बायो हो गया, उनकी तरफ से बायो आ गया, फिर आपने दिया कि बात करेंगे, उधर से बात भी हो गई, मिले कब? मुझे पता था आप क्यूरियस होंगे, इतना क्यूरियस होंगे मुझे नहीं पता। क्या भाई साहब जवानी जो है बदल गई है। लेकिन उसके बाद बात करें तो क्या बढ़ाई है उसमें? तो आप मुंबई बचे, वो कहा थी? नहीं मैं दिल्ली, वो भी दिल्ली आई, वैसे वो चेन्नई में थी। और लॉकडाउन के कारण दोनों का दिल्ली में आना हुआ, और इस कारण हम फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो फाइनली हम मिले एक डेट पे एक कॉफी प्लेस में। एक कॉफी कौन सी कॉफी थी वो? सर वो चीजें याद नहीं है। ओके बड़ी रोचक कहानी है आपकी और आपके अरुषि जी की। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपकी जो मित्रता है ये और आगे बढ़े। थैंक यू सर। फिलहाल तो आप आगे बढ़िए। अगले प्रश्न पर आ रहा है पांचवा प्रश्न, और इसका मूल्य है 10,000।